चलो तो आप लोग नाइन्थ क्लास में भी पढ़े थे वर्क इंजन पावर, और ज्यादातर बच्चों को ये चैप्टर जिनका फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन क्लियर है उनको ये चैप्टर उतना ज्यादा तकलीफदायक नहीं लग रहा होगा। बाकी अगर नाइन्थ क्लास से ही मिला है तो वर्क पढ़ना था, इलेवेंथ में देखे कि वर्क निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो गया, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स भी हो गया, एंगल पर भी निकल रहा है, वेक्टर के फॉर्म में भी निकल रहा है, बट वर्क तो वही रहा जो नाइन्थ में पढ़े थे। फिर एनर्जी आया, पावर आया, एनर्जी में दो फेमस एनर्जी पहले से भी जानते थे, काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल सीखे परसों की, आज के बाद मतलब परसों के क्लास के बाद सीखे पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल नहीं रहा अभी इलेवेंथ में, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अलग है, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, एमजीएच सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला है। लेकिन जो नाइन्थ में पढ़े थे वो गलत नहीं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एमजीएच भी चलता ही है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक करेंगे, पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर ले, बट अगर थोड़ा सा ऊपर से ही पूछ रहे हो तो अपने दिमाग से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या बताया गया था, ग्रेविटेशन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो और जो ऐसे ऐसे स्प्रिंग है जो स्प्रिंग को खींच दिए, दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल। पढ़ना है इसी चैप्टर में, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि आगे किसी चैप्टर में पढ़ लेना, इसी चैप्टर में बस अब है, अब यही टॉपिक शुरू ही होने वाला है, बट उसके पहले वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़े हो छोटे क्लास में कुछ बताओ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब्ड, और इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यही पढ़े हो आप लोग, और यही होता है इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं जरा सर, इसमें बहुत सारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म हम लोग ऑफिशियली क्लास नाइन्थ में एट्थ में टेंथ में पढ़ कर आए। ठीक है, जैसे कि एक ब्लॉक अगर ऊपर है इस तरह से, अगर सरफेस के ऊपर है जमीन से, इसके पास कौन सा एनर्जी है, ठीक है, ये नाइन्थ में भी पढ़े थे, है ना, पोटेंशियल है। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, तो यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी घट नहीं सकता, अगर घट रहा है तो वो ट्रांस, तो किस फॉर्म में, अभी रुका हुआ था तो काइनेटिक जीरो था, जैसे ही चलेगा तो वो ट्रांसफॉर्म करके किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, और वैसे वैसे कमेगा, बट एनर्जी कम नहीं सकता, तो उसके एवज में काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, जस्ट जमीन से गिरते जाते समय पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा और काइनेटिक का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, और पढ़े थे पेंडुलम के बारे में क्लास नाइन्थ में पढ़े थे, सियोर अभी ऑफिशियली भी पढ़ना है नाइन्थ में, अनऑफिशियली पढ़े थे, अनऑफिशियल मतलब उसका फॉर्मूला वगैरह तुम नहीं पढ़े थे, अभी भी इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे, बट पेंडुलम का बात जब उठता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आता है वो, है ना। पेंडुलम में क्या होता है आप लोग बताइए, पेंडुलम है देखे ही होगे, पेंडुलम का बॉब जब एकदम अपने मीन पोजीशन पर रहता है तो उसका क्या जीरो होगा, हाँ क्यों, क्योंकि तो उसका पोजीशन वहीं से शुरू हुआ और बॉडी वहां पर रेस्ट पे है, अब जैसे जैसे जाएगा ऊपर की तरफ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी अभी आप बड़े पड़े हैं, बढ़ घट सकता नहीं है, लेकिन अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी थोड़ी बढ़ घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो अगर पोटेंशियल बढ़ भी रहा है तो उसके एवज में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रहा है, एकदम हाइट पर जाते जाते काइनेटिक क्या हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर जब आना शुरू होगा तो पोटेंशियल कमेगा, बट पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कम नहीं सकता, अगर कम रहा है तो उसके एवज में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेंडुलम के केस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर सिलेबस के हिसाब से बात करें तो पेंडुलम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फिर आपको अनऑफिशियली इस चैप्टर में पढ़ना है, ऑफिशियली पेंडुलम हमें इलेवेंथ क्लास में एक चैप्टर है, नाम सुने होंगे आप लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें आपको ऑफिशियली पेंडुलम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। ऑफिशियली मतलब समझ रहे हो, उसका कुछ फॉर्मूला भी होगा ना, इधर से उधर जाएगा तो, इधर से उधर जाएगा तो, उसका एक ऑफिशियली भी पढ़ना है, तो इसको ऑफिशियली हम लोगों को एसएचएम में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना हमें स्प्रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में पढ़ना है, स्प्रिंग, वो पढ़ना है अभी अभी आप लोग बता भी रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का तीसरा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो स्प्रिंग को जब ऐसे खींचना शुरू कर रहे थे, ऐसे जैसे इसको खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है उसका, तो उसका शेप चेंज करना, शेप चेंज करने का मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे खींच के एकदम दूर तक ले गए तो क्या मैक्सिमम हो गया, तो रुका हुआ भी तो है तो काइनेटिक जीरो है, जैसे उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, बट यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तुम कम नहीं कर सकते। अगर कम रहा है तो उसके एवज में उस स्प्रिंग का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ते चला जाएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये ऑफिशियली इसी चैप्टर में पढ़ना है। ऑफिशियली मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह तुमको पढ़ना है कितना होगा। इतना तो श्योर है कि MGH नहीं होगा, आपको एक ही फॉर्मूला मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का MGH। स्प्रिंग वाले केस में इतना तो पता चल रहा है छोड़ छाड़ करने पर, MGH तो नहीं आएगा, कुछ आएगा वो देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये सब बातें हम लोगों को करनी। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पर अगर बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहला नंबर वाला जो है, जो फर्स्ट नंबर वाला है, ये आप लोगों को एक्चुअली में 8th में भी पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था। जो लोग का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, अभी जो प्रूफिंग हम लोग करेंगे ये आएगा 11th क्लास के स्कूल एग्जामिनेशन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो हाइट वाला भी आप लोग बता रहे हो, हाइट पर क्या ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, नीचे आते आते क्या कम हो रहा है, कम काइनेटिक बढ़ रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रह जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है, इसका प्रूफिंग आपको 11th क्लास में जो लोग स्कूल एग्जामिनेशन है आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में। बाकी मेरे को आपके स्कूल एग्जाम के प्रूफिंग से कोई लेना देना नहीं है, देख लेते हैं कि एनर्जी कंजर्व होता है कि नहीं। ठीक है, तो फटाफट बताओ एनर्जी कंजर्व कैसे बताओगे। तीन पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, बताओ खुद से। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है, एक पॉइंट यहाँ पर सी है। इस हाइट को कुछ मान लेते हैं, जल्दी से बताओ। इस हाइट को मान लिए एच, बॉल को फेंक रहे, बॉल यहाँ पर है पहले, ये बॉल यहाँ पर, इसका मास कुछ मान लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा तो कहाँ कहाँ पर होते हुए पहुंचेगा, पहले ए पर है, फिर बी पर, और फिर जस्ट वो गिरते समय सी पर पहुंचेगा। ठीक है, बॉल को ऐसे फ्री फॉल के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, अब ए से बी तक का कुछ लेंथ होगा, कुछ मान लेते हैं, मान लो एक्स, मैं इसको एक्स मान लिया तो नीचे वाले को, या तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। तो दिस विल बी एच माइनस एक्स, अगर तुम नीचे वाले को एक्स मान रहे हो तो ऊपर वाला एच माइनस एक्स होगा। ये तुम देख लेना, स्कूल एग्जामिनेशन वालों से इसका प्रूफिंग पूछा जाएगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों को ये पैटर्न क्लियर रखना है कि क्या होता नहीं होता। ठीक है, तो बताओ एट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को यू से बढ़ से सिखाएगा, डिनोट करते कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दिस इज MGH हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट है इसमें, ये हो गया। अब कहां पर आ गया वो, एट बी पर, तो बी पर क्या कम हो गया, कितना हो गया वो बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी, बट हाइट अब कितना रहा उसका, एच माइनस एक्स, दिस इज एम जी एच। बोलो कोई दिक्कत, तो क्या बढ़ गया, कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ए से बी पर आते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो गया, खुद ही से बताओ। हाँ, फ्रॉम ए टू बी, आप ही लोग बताइए, फ्रॉम ए टू बी बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। सो यू का वैल्यू कितना है, फ्री फॉल के लिए छोड़ दो, टू जी एक्स, तो इससे बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बोलो, दिस वी स्क्वायर बराबर 2gx, दिस वी स्क्वायर बराबर 2gx, तो यहाँ पुट करो, आप बताओ कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पर कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, बोलते भी रहो। तो दो तरह का एनर्जी आया, इसमें पोटेंशियल भी है इसके पास, काइनेटिक भी है, बट टोटल जोड़ करके देखो, टोटल में पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ोगे तो जोड़ दो, पोटेंशियल था एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी था एम जी एक्स, ये दोनों कट गया, देखो फिर से टोटल कितना आ गया, देख रहे हो, टोटल MGH इधर भी आया, इधर भी टोटल कितना था, A पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम था, काइनेटिक जीरो था, बट टोटल MGH ही था, B पर आते आते पोटेंशियल थोड़ा कम गया, काइनेटिक थोड़ा बढ़ गया, बट टोटल एनर्जी जो है वो दोबारा से MGH ही आ गया। C पर करके देख लेते हैं, C पर आपकी बारी आ गई, एट C पर पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना हो गया, जीरो, क्योंकि जस्ट वो नीचे एकदम आ गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर होता हाफ एम इसका कुछ वी स्क्वायर होता, अब ए से सी का फ्रॉम ए टू सी वी स्क्वायर खुद से बता दो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी, यहाँ से यहाँ तक एच, यू जीरो था तो वी स्क्वायर बराबर टू जी एच, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पर फिर ये टू टू कट गया, कितना आ गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो था, काइनेटिक एम जी एच था, मेरे को ना पोटेंशियल से मतलब है ना काइनेटिक से, टोटल का अगर बात करो
तो टोटल एनर्जी कितना हो गया दोबारा mgh ही रह गया। इसी को ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना आप डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, एनर्जी ना आप बना पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि एनर्जी बढ़ रहा है तो उसके एवज में कोई ना कोई एनर्जी घटेगा जरूर। आपको अगर लग रहा है कि वहां पर एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके एवज में दूसरा एनर्जी ऐसा बढ़ेगा घटेगा कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रह जाए। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी। नाइन्थ में भी पढ़े थे ये, एट्थ में भी पढ़े थे, बट इसका जो प्रूफिंग है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है वो आपके 11th क्लास के स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा। मेरे को स्कूल एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्लास 9th में नहीं है, नाउ वी आर इन क्लास 11th। एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह पर काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि 9th पर पढ़े हो 11th में काम नहीं करेगा, काम तो करता ही है, बट 11thers को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा 9th क्लास से अलग जानना है। 9thers केवल बोलता है एनर्जी सिर्फ कंजर्व रहता है, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा अपना फॉर्म बदलते रहता है। 11thers को थोड़ा सा अलग बताना है। 11thers को बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल तब काम करेगा जब फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसमें कौन कौन से तरह का फोर्स कंसीडर किया, सिर्फ एक तरह का फोर्स कंसीडर कर लो जो इसका वेट था, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एयर का फ्रिक्शन भी तो होता नहीं ना कंसीडर किए, हवा तो फ्रिक्शन लगाएगा ना बॉडी पर, वो नहीं कंसीडर किए हो, इसीलिए तुम्हारा आंसर एमजीएच 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 आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। इसका मतलब 11thers को बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी सब सही है, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कंजर्व रहता सब ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तुम बीच बात पे फोर्स अलग अलग लाओगे बीच में, तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम नहीं करने वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस बात को याद रखना, ये 9th और 11th में अंतर है। केमिस्ट्री में भी आप लोग 9th में पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का मास जो है वो बराबर रह जाएगा, एनर्जी बराबर रह जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, है ना। आप लोग पढ़े एक जो थर्मिक एनर्जी निकल जाता है, एंडोथर्मिक एनर्जी आ जाता है। 10th क्लास में एक जो चैप्टर आप लोग पढ़े थे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें तो आप पढ़े थे मास भी कंजर्व नहीं रहता है, मास भी डिस्ट्रॉय हुआ तो केमिकल रिएक्शन एक अलग तरह का केमिकल रिएक्शन बन जाता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते थे। 10th में पढ़ना था सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, पहले आप पढ़े क्लास 9th के केमिस्ट्री में मास एकदम बचा हुआ रहता है, बट 10th में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ाया गया था कि अगर मास डिस्ट्रॉय हुआ तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, बट एक अलग तरह का केमिकल रिएक्शन, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कह देते हैं। फीजन फ्यूजन आपको पढ़ाया गया था, कुछ वैसा ही है। ये सब ठीक है, अच्छा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बढ़िया है, काम कर रहा है, बट ये सब तभी है जब आप बीच बात में फ्रिक्शनल फोर्सेस उन सबको, एयर का जो विस्कस फोर्स है, बायोन्सी है, उन सबको कंसिडर नहीं करते हो, तब जाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो काम करेगा। ये सिर्फ इस केस में नहीं, पेंडुलम के केस में, स्प्रिंग के केस में, सब में फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन, बायोन्सी, वो सबको कंसीडर नहीं कर रहे तभी जाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो काम करेगा मैथमेटिकली, ठीक है, लिखो। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक चीज और याद करना है, क्लास 11thers को 9th से अलग, एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्या रहेगा एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा अपना फॉर्म चेंज करते रहता है, और क्या करेगा तभी काम करेगा जब फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, वो सब तो ठीक है, उसके बारे में हम लोग और लिखेंगे अभी, बट ये प्रूफिंग कर रहे थे तो उसी समय बीच में बताना जरूरी है। एक चीज और याद रखना जो कि शायद 9th में भी आप लोग पढ़े थे, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय ना क्रिएट कंजर्व रह जा रहा है तो जो टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आएगा। अच्छा, कुछ लोग मैकेनिकल बता रहे, ठीक है, जैसे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सब मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल है, 9th क्लास का बात है, और कुछ बताओ, प्रूफिंग में भी देख करके पता चल रहा होगा वो टोटल एनर्जी एक्चुअली में किसके बराबर आएगा। वेट तो इस एग्जांपल में आया, और थोड़ा सोच के एनर्जी और वेट कैसे बराबर हो सकता है, एनर्जी वेट तो फोर्स है, डायमेंशनली बराबर, ठीक बता रहा, जल्दी देखो तो आंसर भी देखकर, वो तो ठीक है, वो किसके बराबर आ रहा है प्रूफिंग में देखो पता चल जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। यही चीज है जो 9thers और 11thers को डिफरेंशिएट करता है, एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉय सब ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा वो भी ठीक है, बट वो जो कंजर्व करके जो आएगा वो हर बार मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आएगा। दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एमजीएच तो इस केस में था तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी तो एमजीएच ही था ना, हर बार देख लो एमजीएच ही आ रहा है, वो सिर्फ इसी केस में नहीं,
जहां पर भी आज के बाद तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, कुछ एनर्जी घटेगा, कुछ बढ़ेगा, टोटल कंजर्व रहेगा, बट वो जो टोटल आएगा वो कुछ लोग बता रहे मैकेनिकल उसको कह सकते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, बट वो सब नाइन्थ क्लास की बात है। एक्चुअली में जो टोटल एनर्जी आएगा वो किसी भी कीमत पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आएगा, सिर्फ इस केस में नहीं, जहां पर भी तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे वहां पर ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर कट बात। अब लिख लो। हाँ भाई, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो तुम पढ़ लिए, बट एक चीज और भी सीखे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल तभी काम करता है फॉर्मूला वाइज जब फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर लेते हो, फ्रिक्शन वगैरह नहीं कंसीडर करते हो तब। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा, बॉल को ड्रॉप कर रहे कहां से, हाइट एच से, और वो नीचे गिरा कितने स्पीड से, 1.2 रूट जी एच से। अगर शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी और गिरते समय का काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है तो ये एयर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जीरो होगा, बट अगर शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी और एंड में गिरते समय का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम नहीं हुआ तब इसका क्या मतलब रहेगा, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ, और एनर्जी तो कंजर्व होता ही है, नहीं का तो बात है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जरूर एयर फ्रिक्शन जो है वो काम कर रहा होगा। तो करके देखो, दो पॉइंट का बात है, ए से बी का, ए है ये बी है, ये हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, तो ए पॉइंट पर कौन सा एनर्जी कितना मैक्सिमम कितना, अगर मास अगर बॉडी का एम है तो बॉडी का मास एम ले लेते हैं, वेट एम जी हो जाएगा, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और क्लैरिटी कितना होगा उस पॉइंट, टोटल कितना होगा, ये हो गया शुरुआत का, और जस्ट गिरते समय का बात हो रहा है, रीचेज द ग्राउंड मतलब गिर गया है बी पर, एट बी पर बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो गया, और काइनेटिक एनर्जी आर एम वी स्क्वायर, ये वी दिया हुआ था 1.2 जी, नहीं 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 ऐसे नहीं है, 1.2 रूट के बाहर है, रूट जी एच होल स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज हाफ एम, 1.2 का स्क्वायर इज 1.44 होता है शायद, जी एच ये 0.72, 144 को 2 से काटोगे तो 72 बार कटेगा, 0.72, तो ऊपर कितना था और नीचे कितना हो गया, इसका मतलब है कि मैथमेटिकली एनर्जी कंजर्व नहीं रह पा रहा है, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व रहता ही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन काम किया हुआ, कितना क्या होगा खुद से बता दो, हाँ देयरफॉर एयर फ्रिक्शन ऊपर था MgH, फिर इसके बाद कुछ एयर का फ्रिक्शनल फोर्स काम कर गया और घटते घटते 0.72 MgH तक पहुंचा दिया, ये एयर का फ्रिक्शनल फोर्स है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं एयर का फ्रिक्शनल फोर्स में म्यू इंटू आर फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये उस समय बताया गया था, म्यू आर सिर्फ सरफेस पर लगने वाला फॉर्मूला है, एयर पर म्यू आर तो नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर दिस कितना हो जाएगा 0.72 MgH में MgH माइनस हो गया कितना हो गया, माइनस 0.28 MgH, यही हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं है ये एक्चुअली में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया जाने वाला वर्क डन, अरे समझ में ना, इसमें कोई फोर्स बोल दिया है तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा, ये एनर्जी है ये भी एनर्जी है तो बी का फोर्स थोड़ी हो सकता है, वर्क ही ना होगा, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ये वर्क ये फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया जाने वाला वर्क और ये बचा हुआ वर्क, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन, दिस इज माइनस 0.28 MgH, डाउट है तो बोलो, नहीं है तो लिखो। ऐसा ये क्वेश्चन खुद से बना के देखो, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, एक ड्रॉप ऑफ रेन वाटर कंसीडर कर लो, कितना मास है उस रेन ड्रॉप का, 1 ग्राम है केवल, वो फॉल कर रहा है कहां से, हाइट ऑफ 1 किलोमीटर से, ठीक है, अब वो आ रहा है नीचे, लेकिन उसका स्पीड कितना दिया हुआ नीचे गिरते गिरते का, 50 मीटर पर सेकंड, जी का वैल्यू बोल रहा है 10 लेने के लिए, तुम अपने से उल्टा सीधा नहीं ले लेना, जी का वैल्यू बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब तुम बताओ द वर्क डन बाय, इसमें दो दो वर्क डन पूछ रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो कर रहा था ना उसमें वर्क डन उसको नीचे लाने के लिए, और दूसरा अगर उसमें एयर का रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है तो कितना होगा, दोनों बताना है, 1.25 माइनस 8.25, 100 प्लस 8.75,
10 माइनस 8.75 माइनस 10 माइनस 8.25, ठीक है करके देखो फटाफट। हाँ भाई दो तरह का वर्क डन हो रहा है। ए, जिन लोग से ये सब भी नहीं बन रहा फिर आराम करो, फिर आर्ट्स कॉमर्स इज योर वे आउट, वही तरीका है। अब क्या करेगा आदमी, अपने से आपको नया क्वेश्चन थोड़ी बता दू। कितना है ये 1000 मीटर? जो लोग एक्चुअली में मेंस एडवांस नीट का तैयारी कर रहे हैं ये चैप्टर टू रूप का पता है, इसका क्वेश्चन गलत आप नहीं कर सकते है ना। और जो और सही में अच्छे बच्चे लोग उन लोग सीखे, मतलब ये सब भी अगर गलत हो गया तो फिर तो तुम गए, क्योंकि ये तो जो एक्चुअली में तैयारी करो उसका ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। इस चैप्टर का गलत हो सकता है सर्कुलर मोशन, गलत हो सकता है रोटेशनल, गलत हो सकता है मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, रैंक वहां से निकलता है। ये सब तो सही करना ही है, इसके बाद का सोचना है। अब ये सब भी नहीं बन रहा है तो फिर कोई उपाय नहीं। ए से बी तक दो तरह का, एक तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर पूछता तो माइनस एमडीएच लेते, बट ये वर्क डन तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही कर रहा है नीचे ले जाने का, है ना। कितना वर्क डन कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एमजीएच। कितना है मास? 1 ग्राम, 1/1000। जी कितना बोला है लेकिन? एच कितना बोला हुआ है? 1000 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर था ना, एक कट गया तो एक्चुअली में 10 जूल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा मार के बाद खत्म। लेकिन सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम तो दे नहीं रहे, ऊपर का निकालते हैं। एट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है देखे, 10 जूल काइनेटिक कितना था? 0। और जस्ट गिरते गिरते एट बी पर, जस्ट गिरते गिरते इसके पास पोटेंशियल 0, मतलब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल तो 10 ही जूल हुआ ना। इसका कितना हो रहा है, काइनेटिक हो जा रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास तो दिया था 1 ग्राम ना, 2500, 1212, 12.5, दिस इज 1.25, और पोटेंशियल 0 था। अब टोटल कितना हो गया, टोटल सिर्फ 1.25 जूल, तो पहले टोटल 10 था, गिरते गिरते सिर्फ 1.25 जूल हो गया, एनर्जी कम हो गया जो कि हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है बीच में जो है वो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स काम कर गया। कितना 10 जूल में कितना एयर का फ्रिक्शनल फोर्स वाला वर्क डन है, खत्म हो रहा 1.25 पर, जूल बाद में लिखना। तो फ्रिक्शनल फोर्स वाला वर्क डन कितना हो गया, नहीं बना आराम करो, माइनस 8.75, ठीक है। ये मेडिकल 2017 का क्वेश्चन है, दिस इज नीट 2017, ये मेडिकल 2017 वाले का है, प्लस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। यही मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है। जैसे परसों का जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे कैलोरी वाला ऊपर नीचे वाला, वो भी ध्यान से एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो तुमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा, वो सेम वैल्यू शायद उतना ना मिले, 12.89×10^-3 ना मिले, बट वो मेन 16 का क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी में मिलेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल डेटा के साथ एनसीईआरटी में यही है। तो फिजिक्स में थोड़ा अलग, मैथ्स में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत भारी भयंकर क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी का नहीं रहता है, बट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो जनरली मेन्स एडवांस नीट का क्वेश्चन रहेगा वो खोजबीन करने पर एनसीईआरटी से मिल जरूर जाएगा तुमको, ठीक है। इसको ध्यान से लिखो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिर्फ हाइट वाला तो ठीक ही है बना रहे हो, अब थोड़ा पेंडुलम वाला बनाओ। देखो एक पेंडुलम है, उसका स्पीड कितना दे रहा है, तब जब वो जस्ट एकदम नीचे से होते हुए जाता है तब। ये पेंडुलम है, जब अपने लोएस्ट पॉइंट पर है तब इसका स्पीड क्या दे रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये जा रहा है ऐसे अप डाउन हो रहा है, ऐसे जब इस पॉइंट पर आया है तो 3 है। अब क्या करेगा, ऐसे आगे जा रहा है, अब ये 60 डिग्री बना रहा है किसके साथ, मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये वाला, ये ना। अब ये ऐसे जा रहा, जरूरी नहीं है इसका हाईएस्ट पॉइंट, ऐसा मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये जा रहा है यहाँ तक पहुंचा है, अभी यहाँ तक जाना था, यहाँ तक तो नहीं गया, बट अभी यहाँ पर है। जब ये 60 डिग्री बना रहा है उस समय इसका क्या पूछ रहा है, उस समय का इसका स्पीड पूछ रहा है, यहाँ का स्पीड दिया हुआ था कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड। इधर जब आ रहा होगा तब इसका जो स्पीड होगा वो स्पीड अभी तुमको बताना है कितना होगा। पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है, पेंडुलम का लेंथ
जीरो, ये क्वेश्चन में तो लिखा है, मैं डायग्राम में गंदा नहीं कर रहा हूँ, देखेंगे बाद में। बाकी जी का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पॉइंट का नाम अगर ए है, इसका ओ है, ये पॉइंट अगर बी है, इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा वो तुमको बताने का, बना करके देखो। ठीक है चलो बनाते हैं। दो पॉइंट है ए और बी, इसमें लगाएंगे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा इसमें कुछ वर्ड एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं मेंशन किया हुआ, इसका क्या मतलब लेंगे कि इसमें हम लोग मान करके चलेंगे कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है, जो फ्रिक्शन विक्शन नहीं लेना है। होता तो पिछला क्वेश्चन में देख के मालूम चल रहा था कि एयर फ्रिक्शन का क्वेश्चन था, ये भी देख के आइडिया आपको लगाना है कि एयर फ्रिक्शन का नहीं है क्वेश्चन। ठीक है तो बस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ध्यान से बताते रहना क्योंकि इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन पड़ेगा। बताओ कौन सा पॉइंट है ए पर, एट पॉइंट ए पर आप ही लोग बता रहे थे कौन सा एनर्जी है इसके पास, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर, मास तो शायद दिया हुआ है नहीं, तो बस 9m बाय पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर, तो टोटल कितना हो गया, हाँ ठीक है 4.5m या फिर ऐसे 9m बाय 2 लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है बी पर आप लोग बता रहे हैं कि इसके पास दोनों तरह का हो सकता है, अगर कहीं पर लिख देता कि बी हाईएस्ट पॉइंट है, अगर ऐसा लिख देता मान लो, तब हम लोग मान लेते कि बी अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो इसके पास केवल एक एनर्जी होगा पोटेंशियल, काइनेटिक जीरो होगा, बट वो तो है नहीं, पूछ ही रहा है तुमसे, है ना। तो बी पर दोनों तरह की एनर्जी हो सकता है, कौन कौन सा, एक काइनेटिक कितना होगा जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, यही हमें निकालना है, ये वी मेरे को पता नहीं है कितना होगा, और क्या होगा इसके पास, पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच, अब वो एच निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक जा रहा है वो देखते हैं, मतलब एक्चुअली में दिस इज द हाइट, ये समझ आ रहा है आप लोगों को, ये समझ आ रहा है कि नहीं, हाइट ये है बस, इतना ही ऊंचा ना जा रहा है, ये इधर जा रहा है उससे क्या, ऊंचा का बात हो रहा है, ऊंचा एच ही है, ये एच हमें बस फाइंड आउट करने का, अरे आ रहा है समझ में, ये एच अभी निकालते हैं मैथमेटिकली थोड़ा देख लेते हैं, ये पूरा एल था लगता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो इधर भी एल ही होगा ना, अच्छा ठीक है करते हैं ऐसे, एल है ना भाई, एल अभी मानते बाद में कर लेंगे, ये एल तो ये वाला भी तो एल ही होगा ना, पेंडुलम का लेंथ वाला तो सेम रह जाएगा ना एल, अब ये वाला पोर्शन कितना होगा, इसका नाम एम अगर मान लेते हो, दिस विल बी एल कॉस 60, क्या बोलते हो, होगा नहीं, डाउट है तो यार लिखो, ऐसे बच्चे नहीं होगी ये सब हम सब जाएगा, इधर 60 डिग्री है क्या, नहीं हम बच्चे नहीं है क्या तुम बोलते, cos 60 बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो OM बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज L cos 60। ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे, दिस इज M G, अब देखो ये H कितना हुआ, ये पूरा कितना था, मतलब L था अभी, और माइनस कितना ही H होगा। ठीक है तो दिस इज एम जी एल माइनस कॉस 60 इज, तो एल बाई टू हो गया, और एल से एल बाई टू गया तो, और इसका एल मालूम था अभी आप लोग बता रहे थे 0.5 मतलब 1/2 और बाय टू मतलब 1/4 हुआ, क्या रहा समझ में, एल है 0.5 दैट इज 1/2, अच्छा ठीक है कर सकते, चलो वैल्यू लेना है तो ले लो, अगर करना है तो एम जी का वैल्यू बोल रहे हो 10 लेना है तो ले लो, तो 2.5 हो गया, 2.5m हो गया। ठीक है ओके, तो इसका टोटल कितना होगा, हाफ एम स्क्वायर को फिर लिख ही रहे हो तो फिर 0.5 ही लिखना पड़ेगा फिर, है ना 0.5 होगा ना, 0.5 एम वी स्क्वायर प्लस 2.5m, ठीक है ये भी टोटल एनर्जी है और ये भी टोटल एनर्जी है, इसमें एयर का फ्रिक्शन वगैरह नहीं, अगर होता तो लिखा हुआ रहता एयर का फ्रिक्शन लो नहीं लो, उसका क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली में, इसमें एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं कंसीडर करना है। तो फ्रॉम एक है 9m/2 भैया, और एक तरफ है 0.5m² प्लस 2.5m, है ना, m m m कट गया, बताओ कितना हुआ, 9 बाई
टू आगे 0.5 वी स्क्वायर प्लस 2.5 उधर माइनस करो हाँ तो 9 बाय 2 को 4.5 लिख सकते हैं 4.5 में से 2.5 गया तो 2 हो गया है ना तो वी स्क्वायर बराबर 4 हो गया देयरफॉर वी बराबर 4 का रूट हो गया देयरफॉर वी बराबर 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का आंसर इस तरह से बनेगा बहुत आसानी से बन जाता है थोड़ा सा दिमाग लगाना है हर बार एयर का फ्रिक्शन लेना ये काम है बोला हर बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है जहां एयर का फ्रिक्शन वाला होगा वहां एयर फ्रिक्शन लेंगे इस क्वेश्चन में कहीं बोल ही नहीं रहा था कि एयर का फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर करना है होता तो यहाँ पर लिख करके देता कि एयर फ्रिक्शन कंसीडर करो जब बोल ही नहीं रहा है तो नहीं लेंगे एयर फ्रिक्शन और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे ठीक है तो इसको ध्यान से बना लो अगले क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग अप्रोच करेंगे ठीक है।